अग्निपथ योजना के विरोध में जहां पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चीड़बाग स्थित सैन्य धाम से राजभवन तक योजना के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों के साथ पदयात्रा की, जहां उन्होंने राजभवन से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। योजना के विरोध में SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। हरीश रावत के अनुसार इस योजना ने बीते 3 साल से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अग्निपथ उत्तराखंड के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये हमारे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का पथ है। जो नौजवान वर्षों से सपना देख रहा था, जिसकी माँ गर्भ में बच्चे के आते ही सपना देखती थी कि मेरा लड़का होगा तो अपने पिता की तरीके से, अपने दादा की तरीके से फौज में भर्ती होगा, अब वो अग्निवीर होगा। और ऐसा अग्निवीर होगा जो 4 साल बाद घर वापस आ जाएगा, जिस समय उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे उसकी विशेषता अग्निवीर होगी, जिसके सामने एक अनिश्चित भविष्य होगा।